नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, हाजिर हूँ बहुत अच्छी सी टिप्स के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक जीमेल से दो यूट्यूब अकाउंट कैसे बनाएं। देखिए, ऐसा होता है कि आप अपने यूट्यूब अकाउंट बनाते हैं दो, तो ज़ाहिरतर क्या होता है, लोगों को यही पता होता है कि एक जीमेल से केवल एक अकाउंट बन सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दो अकाउंट बना सकते हैं एक जीमेल से। इससे फ़ायदा रहता है कि आप दो अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको अलग अलग अकाउंट में जाना नहीं पड़ता, अलग अलग जीमेल नहीं ओपन करनी पड़ती, एक जीमेल से आप दोनों अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा रहता है, जो आपका परमानेंट अकाउंट होता है, जो आपके जीमेल से लिंक होता है, वो आप अकाउंट को सेल नहीं कर सकते। बाकी जो दूसरा अकाउंट बनाएंगे आप, दूसरा ब्रांड अकाउंट से बोलते हैं, उसको आप सेल भी कर सकते हैं और दूसरे को पावर भी दे सकते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए, सबसे पहले आपको जाना है अपने डेस्कटॉप पे या फिर अपने मोबाइल में। तो वहाँ पे आप खाली डेस्कटॉप मोड लगा लीजिए, उसके बाद में आप जाएंगे सेटिंग में, जैसे साइड में जो कॉर्नर में ऑप्शन था वहाँ सेटिंग में, तो आप देखें कुछ इस तरीके से फीचर्स आ जाएगा। तो मैं आपको जूम कर, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दिखाया एडिशनल फीचर, यहाँ पर है क्रिएट न्यू चैनल। तो बस सिंपल हमें क्रिएट न्यू चैनल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्रिएट न्यू चैनल, यहाँ पे ब्रांड अकाउंट नेम क्या रखना चाहते हैं, तो मैं रखता हूँ टेस्ट न्यू चैनल, टेस्ट न्यू चैनल यानी क्रिएट कर देता हूँ, यानी मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक टेस्टिंग के लिए, तो मैंने इसका नाम रखा है टेस्ट न्यू चैनल। और प्रोसेसिंग चलेगा, और आप देखेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर मुझे कन्फर्म करना पड़ेगा क्योंकि मेरे अकाउंट से कोई फेक तो नहीं है, इसलिए। तो मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आ गया है, तो वेरिफिकेशन में ट्रू कोड डाल देता हूँ 237391, और बस यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यस, हाँ जी, अब आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग चलेगा और बन गया चैनल नया, टेस्ट न्यू चैनल। तो इसको हम वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे हम यूज़ करते हैं। अब आप सिंपल, आप जैसे आप जीमेल पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे दो चैनल बन के आना स्टार्ट हो जाएंगे, एक टेस्ट न्यू चैनल और यहाँ पे स्विच अकाउंट है। स्विच अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा दोनों अकाउंट्स, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है टेस्ट न्यू अकाउंट और वेबसाइट बिल्डर। इस तरीके से आप कर सकते हैं दो अकाउंट। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी, अगर लाइक है तो लाइक कर देना, और कुछ भी पूछना हो तो बिना हिचकिचाए नीचे कमेंट कर दो, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, जल्द हाजिर होंगे नई टिप्स के साथ। तब तक धन्यवाद, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।